हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बोरिंग ब्रेन्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं आपके पीसी या लैपटॉप पे, और लास्ट में हम देखेंगे कैसे पाइथन प्रोग्राम को हम रन करते हैं आपके पीसी या लैपटॉप पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे और सिंपली सर्च कर देना है डाउनलोड पाइथन, और यहाँ पर सर्च करने के बाद फर्स्ट या सेकेंड वेबसाइट ही आ जाएगी पाइथन की ऑफिशियल। ये देखो, ये फर्स्ट ही आ गई, www.python.org। यहाँ पर आप मेन पेज भी देख सकते हैं, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। अगर आपको ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड्स में जाएंगे, विंडोज़ पे क्लिक करेंगे और आपको सारे वर्जन मिल जाएंगे, और यहाँ से आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं आपको जो चाहिए। हम लेटेस्ट वाला करेंगे, अब है डाउनलोड पाइथन 3.9.6, उस पर क्लिक करेंगे। आप कॉर्नर पर देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर डाउनलोड्स में आप मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए है और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी, और नीचे सारे रिलीज वर्जन, उसके डेट्स और डाउनलोड लिंक्स दी हुई, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे डाउनलोड हो चुका, शो इन फोल्डर, और इस पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, हम करेंगे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे, हमको ये सब चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, पिप आईडी, पाइथन टेस्ट सूट, सब चाहिए, इसलिए हम करेंगे नेक्स्ट, कुछ चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सिलेक्टेड आए हो ऑप्शन, और हम पहला टिक कर देंगे इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, मैं यूज़ करने वाला हूँ इसलिए। फिर बाद में है एसोसिएट फाइल्स विद पाइथन, ये तो उसने टिक करके दिया, और हम टिक करेंगे ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, नीचे के दो नहीं करेंगे, सिर्फ पहले के पांच। फिर आप यहाँ से कहाँ पर इंस्टॉल करना है वो चेंज कर सकते हैं, और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ से मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और ये हमारा डाउनलोड हो चुका। तो आप यहाँ पर रिसेंट्स में देख सकते हैं सारे पाइथन के हमने जो इंस्टॉलेशन बोले थे वो डाउनलोड हो चुके हैं। हम अब जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, cmd टाइप करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और देखेंगे कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं। पहली कमांड डालेंगे पाइथन डैश डैश वर्जन, और एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन 3.9.6 हमने अभी इंस्टॉल किया था वो वर्जन दिखा रहा है। अब हम देखेंगे कि पाइथन का प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं। py डैश डैश वर्जन 3.9.6, अगर आप देख सकते हैं दूसरा कमांड डाला यही दिखाया, फिर से हमारा वर्जन ठीक से इंस्टॉल हुआ इसका मतलब। अब हम करेंगे पाइथन का प्रोग्राम रन, सिंपल अपना हेलो वर्ल्ड वाला, वैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट, और ब्रैकेट में डालूँगा हेलो व्यूअर्स, हेलो व्यूअर्स, और ये डाल के एंटर कर दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रिंट हो चुका हेलो व्यूअर्स। तो इस तरह से आप पाइथन प्रोग्राम रन कर सकते हैं cmd में। तो आपने देखा कैसे हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, आपको क्या क्या डाउनलोड करना है। तो इस तरह से आप सिंपली पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।